हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा ज़बरदस्त यूज़फुल आइडिया जिससे कि आप फटे पुराने वेस्ट कपड़े और पुरानी बेडशीट का इस्तेमाल करके घर में ही मैट्रेस गद्दा बना के तैयार कर सकते हैं। तो आज हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना एक रुपया खर्च किए हुए मैट्रेस बना के घर में ही तैयार करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का प्यार ऐसा वीडियो। तो फ्रेंड्स, गद्दा बनाने के लिए हम इस पुरानी बेडशीट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास न्यू फैब्रिक है तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर आपके पास पुरानी साड़ी दुपट्टे हैं तो आप उसमें लाइनिंग अटैच करके आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जितनी भी साइज़ का हम गद्दा बना के तैयार करेंगे बस उसी के अकॉर्डिंग हम पीस कट कर लेंगे। तो ये पीस मैंने कट कर लिया, इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। सीधी साइड अंदर की साइड रखेंगे और उल्टी साइड हम बाहर की साइड रखेंगे। इस तरह से हमने इसको रख लिया है। तो अगर आप बच्चों के लिए गद्दा बना के तैयार कर रहे हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग पीस कट करिएगा। तो आप देख सकते हैं सीधी साइड हमने अंदर की साइड रखे हैं और दोनों साइड हमारी खुली हुई साइड है और ऊपर की साइड भी हमारी खुली हुई साइड है। और आप देख सकते हैं ये वाली साइड हमारी बंद है। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके रख लिया है। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद अभी हमें दोनों साइड इसमें सिलाई लगानी है। आप देख सकते हैं खुली वाली साइड है तो हम दोनों साइड इसमें सिलाई लगा लेंगे और ऊपर वाली साइड हम इसको इस तरह से ओपन ही रखेंगे। तो दोनों साइड हम इसमें इस तरह से सीधे सीधे सिलाई लगा लेंगे, इस साइड भी और इस वाली साइड भी हम इसमें सीधे सीधे सिलाई लगा लेंगे। तो बस इस तरह से हमने पीस को तैयार कर लिया है। दोनों साइड हमने इसमें सिलाई लगाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। तो अब हम इसको ओपन कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको ओपन कर लेंगे, अच्छे से कॉर्नर्स को बाहर की साइड निकालते हुए हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो सीधा करने के बाद इस तरह से ये थैली जैसा हमारा पीस बन के रेडी हो गया है। तो अब हम करेंगे इसकी मार्किंग। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर से 9 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने 9 इंच पे निशान लगाया है। तो निशान लगाने के बाद अभी हम सीधे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 इंच छोड़ देंगे अंदर की साइड फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह के निशान हमने लगाए, इन पे हम सीधे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने बॉक्सेस बना के रेडी कर लिए हैं। तो अभी ये जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की है इन पे हम सिलाई लगाएंगे। तो कुछ इस तरह के बॉक्सेस बन के हमारे रेडी हो गए हैं और 2 इंच हमने इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करने के लिए छोड़ा है। तो अच्छे से मैं मार्क करके दिखा रही हूँ आपको, 2 इंच हमें इस तरह से छोड़ना है। और इस तरह के बॉक्सेस बन के हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इन पे सिलाई लगाएंगे जितनी भी हमने लाइन ड्रॉ की है। तो सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह का ये पीस हमारा रेडी हो चुका है। तो इस तरह से हमने सीधे सीधे इसमें सिलाई लगाई है जितनी भी हमने लाइनें ड्रॉ की थी। तो इस तरह के ये बॉक्सेस बन के हमारे रेडी हो गए हैं। तो आप चाहे तो छोटे साइज़ के बॉक्सेस भी बना के रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये बॉक्सेस बना के रेडी कर लिए हैं। तो अब बारी आती है इसको फिल करने की। तो जितने भी हमारे पास वेस्ट पुराने कपड़े थे उनको हम इसमें फिल करेंगे। तो हम फर्स्ट जो बॉक्स है उससे स्टार्ट करेंगे फिल करना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हम इसको फिल कर रहे हैं। तो आपके पास अगर पुरानी कॉटन है या फिर न्यू कॉटन है तो आप उसका इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट बॉक्स हमने फिल कर लिया है। तो बस इसी तरह हमें बाकी के बॉक्सेस को भी फिल करना है। सारे बॉक्सेस को हम अच्छे से दबा दबा के फिल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं फाइनली हमने इसको फिल कर लिया है। तो आप देख सकते हैं फटे पुराने वेस्ट जितने भी हमारे पास कपड़े थे वो सारे हमारे काम आ चुके हैं।
तो इस तरह से वेस्ट पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करके आप घर में ही मैट्रेस गद्दा बना के रेडी कर सकते हैं। इस तरह से हमारे वेस्ट कपड़े भी काम आ जाएंगे और हमारा प्यारा सा मैट्रेस घर में ही बन के रेडी हो जाएगा। तो अभी बारी आती है इसको इस तरह से फोल्ड करने की। तो ये ओपन साइड आप देख रहे हैं, इसको हम अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस तरह से इसमें सिलाई लगाएंगे। तो सुई और धागे का इस्तेमाल हम इसमें करने वाले हैं। इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते जाएंगे और बस इस तरह से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो फाइनली आप देख सकते हैं इस तरह से हमने अंदर की साइड फोल्ड करते हुए ओपन साइड जो हमारी थी उस पर हमने सिलाई लगा ली है और फाइनली हमारा मैट्रेस भी बनके रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप किसी भी साइज का गद्दा मैट्रेस घर में ही बना के रेडी कर सकते हैं। जीरो बजट में हमने मैट्रेस बना के रेडी कर लिया है। फटे पुराने वेस्ट कपड़े भी हमारे काम आ गए हैं और हमारा जो गद्दा है वो हमने घर में ही बना के रेडी कर लिया है। तो इस तरह से आप बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, किसी के लिए भी मैट्रेस बना के रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात है आप इसको घर में ही वॉश कर सकते हैं। इसकी सिलाई निकाल के, सारे कपड़े आप बाहर निकाल के इसको घर में ही वॉश भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप भी मैट्रेस घर में ही बना के रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फटे पुराने वेस्ट कपड़ों को इस्तेमाल करने का ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और आज का ये वाला वीडियो आप सबके लिए कितना यूजफुल रहा ये भी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आप भी इसको घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो वेस्ट कपड़ों को इस्तेमाल करने का बेस्ट आइडिया मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग सी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग सी वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।